सुबह का सुहावना समय है और ठंडी हवा चल रही है। जंगली फूलों की खुशबू से मस्त भई सुंदर सुंदर रंग बिरंगी खूबसूरत चिड़ियाएं हमारे सर्वे गुण संपन्न मुसाफिरों को मुबारकबाद दे रही हैं, जो तिलिस्म की सैर करने की नीयत से मीठी मीठी बातें करते हुए जा रहे हैं। घोड़े पर सवार महाराज सुरेंद्र सिंह, राजा बीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, गोपाल सिंह, इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह तथा पैदल तेज सिंह, देवी सिंह, भूतनाथ, पंडित बद्रीनाथ, राम नारायण, पन्नालाल वगैरह अपने अयार लोग जा रहे थे। तिलिस्म के अंदर मिले हुए कैदी अर्थात नकाबपोश लोग तथा भैरव सिंह और तारा सिंह इस समय साथ न थे। इस समय देवी सिंह से ज्यादा भूतनाथ का कलेजा उछल रहा था और वह अपनी स्त्री का असली भेद जानने के लिए बेताब हो रहा था। जब से उसे इस बात का पता लगा कि वे दोनों सरदार नकाबपोश यही दोनों कुमार हैं तथा इस विचित्र मकान के मालिक भी यही हैं, तब से उसके दिल का खुटका कुछ कम तो हो गया, मगर खुलासा हाल जानने और पूछने का मौका न मिलने के सबब उसकी बेचैनी दूर नहीं हुई थी। वह यह भी जानना चाहता था कि अब उसकी स्त्री तथा लड़का हरनाम सिंह किस फिक्र में है। इस समय जब वह फिर उसी ठिकाने जा रहा था जहां अपनी स्त्री की बदौलत गिरफ्तार होकर अपने लड़के का विचित्र हाल देखा था, तब उसका दिल और बेचैन हो उठा था। मगर साथ ही उसे इस बात की भी उम्मीद हो रही थी कि अब उसे उसकी स्त्री का हाल मालूम हो जाएगा या कुछ पूछने का मौका ही मिलेगा। ये लोग धीरे धीरे बातचीत करते हुए उसी खो या सुरंग की तरफ जा रहे थे। पहर भर दिन से ज्यादा न चढ़ा होगा जब ये लोग उस ठिकाने पहुंच गए। महाराज सुरेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह वगैरह घोड़े पर से नीचे उतर पड़े। साईसों ने घोड़े थाम लिए और इसके बाद उन सबों ने सुरंग के अंदर पैर रखा। इस सुरंग वाले रास्ते का कुछ खुलासा हाल हम इस संतति के 19वें भाग में लिखाए हैं, जब भूतनाथ यहाँ आया था। अब पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती। हाँ, इतना लिख देना जरूरी जान पड़ता है कि दोनों कुमारों ने सबों को यह बात समझा दी कि यह रास्ता बंद क्यों कर हो सकता है। बंद होने का स्थान वही चबूतरा था जो सुरंग के बीच में पड़ता था। जिस समय ये लोग सुरंग तय करके मैदान में पहुंचे, सामने वही छोटा बंगला दिखाई दिया जिसका हाल हम पहले लिख चुके हैं। इस समय उस बंगले के आगे वाले दालान में दो नकाबपोश औरतें हाथ में तीर कमान लिए टहलती पहरा दे रही थीं, जिन्हें देखते ही खास करके भूतनाथ और देवी सिंह को बड़ा ताज्जुब हुआ और उनके दिल में तरह तरह की बातें पैदा होने लगी। भूतनाथ का इशारा पाकर देवी सिंह ने कुंवर इंद्रजीत सिंह से पूछा, ये दोनों नकाबपोश औरतें कौन हैं जो पहरा दे रही हैं? इसके जवाब में कुमार तो चुप रह गए, मगर महाराज सुरेंद्र सिंह ने कहा, इसके जानने की तुम लोगों को क्या जल्दी पड़ी हुई है, जो कोई होंगी सब मालूम ही हो जाएगा। इस जवाब ने देवी सिंह और भूतनाथ को देर तक के लिए चुप कर दिया और विश्वास दिला दिया कि महाराज को इनका हाल जरूर मालूम है। जब उन औरतों ने इन सबों को पहचाना और अपनी तरफ आते देखा तो बंगले के अंदर घुसकर गायब हो गईं। तब तक ये लोग भी उस दालान में जा पहुंचे। इस समय भी यह बंगला उसी हालत में था जैसा कि भूतनाथ और देवी सिंह ने देखा था। हम पहले लिख चुके हैं और अब भी लिखते हैं कि यह बंगला जैसा बाहर से सादा और साधारण मालूम होता था, वैसा अंदर से न था। और यह बात दालान में पहुंचने के साथ ही सबों को मालूम हो गई। दालान की दीवारों में नियाहत खूबसूरत और आला दर्जे की कारीगरी का नमूना दिखाने वाली तस्वीरों को देखकर सब कोई दंग हो गए और मुसव्वर के हाथों की तारीफ करने लगे। ये तस्वीरें एक नियाहत आलीशान इमारत की थीं और उसके ऊपर बड़े बड़े हरफों में यह लिखा हुआ था, यह तिलिस्म चुनार गढ़ के पास ही एक नियाहत खूबसूरत जंगल में कायम किया गया है, जिसे महाराज सुरेंद्र सिंह के लड़के बीरेंद्र सिंह तोड़ेंगे। इस तस्वीर को देखते ही सबों को विश्वास हो गया कि यह तिलिस्मी खंडहर, जिसमें तिलिस्मी बगुला था और जिस पर इस समय नियाहत आलीशान इमारत बनी हुई है, पहले इसी सूरत शक्ल में था, जिसे जमाने के हेर फेर ने अच्छी तरह बर्बाद करके उजाड़ और भयानक बना दिया। इमारत की उस बड़ी और पूरी तस्वीर के नीचे उसके भीतर वाले छोटे छोटे टुकड़े भी बनाकर दिखलाए गए थे और उस बगुले की तस्वीर भी बनी हुई थी, जिसे राजा बीरेंद्र सिंह ने बखूबी पहचान लिया और कहा, बेशक अपने जमाने में यह बहुत अच्छी इमारत थी। सुरेंद्र,
यद्यपि आजकल जो इमारत तिलिस्मी खंडहर पर बनी है और जिसके बनवाने में जीत सिंह ने अपनी तबीयतदारी और कारीगरी का अच्छा नमूना दिखाया है, बुरी नहीं है, मगर हमें इस पहली इमारत का ढंग कुछ अनूठा और सुंदर मालूम पड़ता है। जीत, बेशक ऐसा ही है। यदि इस तस्वीर को मैं पहले देखे हुए होता तो जरूर इसी ढंग की इमारत बनवाता। भीरेंद्र, और ऐसा होने से वह तिलिस्म एक दफे नया मालूम पड़ता। इंद्रजीत, यह चुनार गढ़ वाला तिलिस्म साधारण नहीं बल्कि बहुत बड़ा है। चुनार गढ़, नवगढ़, विजय गढ़ और जमानिया तक इसकी शाखा फैली हुई है। इस बंगले को इस बहुत बड़े और फैले हुए तिलिस्म का केंद्र समझना चाहिए, बल्कि ऐसा भी कह सकते हैं कि यह बंगला तिलिस्म का नमूना है। थोड़ी देर तक दालान में खड़े इसी किस्म की बातें होती रहीं और इसके बाद सबों को साथ लिए हुए दोनों कुमार बंगले के अंदर रवाना हुए। सदर दरवाजे का पर्दा उठाकर अंदर जाते ही ये लोग एक गोल कमरे में पहुंचे जो भूतनाथ और देवी सिंह का देखा हुआ था। इस गोल और गुंबजदार खूबसूरत कमरे की दीवारों पर जंगल, पहाड़ और रोहतासगढ़ की तस्वीरें बनी हुई थीं। घड़ी घड़ी तारीफ न करके एक ही दफे लिख देना ठीक होगा कि इस बंगले में जितनी तस्वीरें देखने में आई सभी आला दर्जे की कारीगरी का नमूना थी और यही मालूम होता था कि आज ही बनकर तैयार हुई है। इस रोहतासगढ़ की तस्वीर को देखकर सब कोई बड़े प्रसन्न हुए और राजा बीरेंद्र सिंह ने तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, रोहतासगढ़ किले और पहाड़ी की बहुत ठीक और साफ तस्वीरें बनी हुई हैं। तेज, जंगल भी उसी ढंग का बना हुआ है, कहीं कहीं से फर्क मालूम पड़ता है, नहीं तो आज जगह तो ऐसी बनी हुई है जैसी मैंने अपनी आंखों से देखी है। उंगली का इशारा करके, देखिए यह वही कब्रिस्तान है जिस राह से हम लोग रोहतासगढ़ के तहखाने में घुसे थे। हाँ, यह देखिए बारीक हरफों में लिखा हुआ भी है, तहखाने में जाने का बाहरी फाटक। इंद्रजीत, इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो वहां का बहुत ज्यादा हाल मालूम होगा। जिस जमाने में यह इमारत तैयार हुई थी उस जमाने में वहां की और उसके चारों तरफ की जैसी अवस्था थी वैसी इस तस्वीर में दिखाई है, आज चाहे कुछ फर्क पड़ गया हो। तेज, बेशक ऐसा ही है। इंद्रजीत, इसके अतिरिक्त एक और ताज्जुब की बात अर्ज करूंगा। वीरेंद्र, वह क्या? इंद्रजीत, इसी दीवार में से वहां यानी रोहतासगढ़ जाने का रास्ता भी है। सुरेंद्र, वाह वाह, क्या तुम इस रास्ते को खोल भी सकते हो? इंद्रजीत, जी हाँ, हम लोग इसमें बहुत दूर तक जाकर घूमाए हैं। सुरेंद्र, यह भेद तुम्हें क्यों कर मालूम हुआ? इंद्रजीत, उसी रिक्त गंथ की बदौलत हम दोनों भाइयों को इन सब जगहों का हाल और भेद पूरा पूरा मालूम हो चुका है। यदि आज्ञा हो तो दरवाजा खोलकर मैं आपको रोहतासगढ़ के तहखाने में ले जा सकता हूँ। वहां के तहखाने में भी एक छोटा सा तिलिस्म है जो इसी बड़े तिलिस्म से संबंध रखता है और हम लोग उसे खोल या तोड़ भी सकते हैं, परंतु अभी तक ऐसा करने का इरादा नहीं किया। सुरेंद्र, उस रोहतासगढ़ वाले तिलिस्म के अंदर क्या चीज है? इंद्रजीत, उसमें केवल अनूठे, अद्भुत, आश्चर्य गुण वाले हरबे रखे हुए हैं। उन्हीं हरबों पर वह तिलिस्म बंधा है। जैसा तिलिस्मी खंजर हम लोगों के पास है या जैसे तिलिस्मी जिरह बख्तर और हरबों की बदौलत राजा गोपाल सिंह ने कृष्णा जिन्न का रूप धरा था, वैसे हरबों और असबाबों का तो वहां ढेर लगा हुआ है। हाँ, खजाना वहां कुछ भी नहीं है। सुरेंद्र, ऐसे अनूठे हरबे खजाने से क्या कम है? जीत, बेशक। इंद्रजीत सिंह से, जिस हिस्से को तुम दोनों भाइयों ने तोड़ा है उसमें भी तो ऐसे अनूठे हरबे होंगे। इंद्रजीत, जी हाँ, मगर बहुत कम है। वीरेंद्र, अच्छा यदि ईश्वर की कृपा हुई तो फिर किसी मौके पर इस रास्ते से रोहतासगढ़ जाने का इरादा करेंगे। मकान की सजावट और पर्दों की तरफ देखकर, क्या यह सब सामान, कंदील, पर्दे और बिछावन वगैरह तुम लोग तिलिस्म के अंदर से लाए थे? इंद्रजीत, जी नहीं, जब हम लोग यहाँ आए तो इस बंगले को इसी तरह सजा सजाया पाया और तीन चार आदमियों को भी देखा जो इस बंगले की हिफाजत और मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। सुरेंद्र, ताज्जुब से, वे लोग कौन थे और अब कहाँ हैं? इंद्रजीत, दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि वे लोग इंद्रदेव के मुलाजिम थे जो इस समय अपने मालिक के पास चले गए हैं। इस तिलिस्म का दारोगा असल में इंद्रदेव है
और आज के पहले भी इसी के बुजुर्ग लोग दारोगा होते आए हैं। सुरेंद्र, यह तुमने बड़ी खुशी की बात सुनाई, मगर अफसोस यह है कि इंद्रदेव ने हमें इन बातों की कुछ भी खबर न की। आनंद, अगर इंद्रदेव ने इन सब बातों को आपसे छिपाया तो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है, तिलिस्मी कायदे के मुताबिक ऐसा होना ही चाहिए था। सुरेंद्र, ठीक है, तो मालूम होता है कि यह सब सामान तुम्हारी खातिरदारी के लिए इंद्रदेव की आज्ञा अनुसार किया गया है। आनंद, जी हाँ, उसके आदमियों की जुबानी मैंने भी यही सुना है। इसके बाद थोड़ी देर तक ये लोग इन तस्वीरों को देखते और ताज्जुब भरी बातें करते रहे और फिर आगे की तरफ बढ़े। जब पहले भूतनाथ और देवी सिंह यहाँ आए थे तब हम लिख चुके हैं कि इस कमरे में सदर दरवाजे के अतिरिक्त और भी 3 दरवाजे थे इत्यादि। अस्तु, उन दोनों अय्यारों की तरह इस समय भी सबों को साथ लिए हुए दोनों कुमार दाहिने तरफ वाले दरवाजे के अंदर गए और घूमते हुए उसी बहुत बड़े और आलिशान कमरे में पहुंचे जिसमें पहले भूतनाथ और देवी सिंह ने पहुंचकर आश्चर्य भरा तमाशा देखा था। इस आलिशान कमरे की तस्वीरें खूबी और खूबसूरती में सब तस्वीरों से बढ़ी चढ़ी थीं, तथा दीवारों पर जंगल, मैदान, पहाड़, खो, दर्रे, झरने, शिकारगाह तथा शहर पनहा, किले, मोर्चे और लड़ाई इत्यादि की तस्वीरें बनी हुई थीं, जिन्हें सब कोई गौर और ताज्जुब के साथ देखने लगे। सुरेंद्र, एक किले की तरफ इशारा करके, यह तो चुनारगढ़ की तस्वीर है। इंद्रजीत, जी हाँ, उंगली का इशारा करके, और यह जमानिया के किले तथा खास बाग की तस्वीर है। इसी दीवार में से वहां जाने का भी रास्ता है। महाराज सूर्यकांत के जमाने में उनके शिकारगाह और जंगल की यह सूरत थी। वीरेंद्र, और यह लड़ाई की तस्वीर कैसी है, इसका क्या मतलब है? इंद्रजीत, इन तस्वीरों में बड़ी कारीगरी खर्च की गई है। महाराज सूर्यकांत ने अपनी फौज को जिस तरह की कवायद और व्यूह रचना इत्यादि का ढंग सिखाया था, वे सब बातें इन तस्वीरों में भरी हुई हैं। तरकीब करने से ये सब तस्वीरें चलती फिरती और काम करती नजर आएंगी, और साथ ही इसके फौजी बाजा भी बजता हुआ सुनाई देगा, अर्थात इन तस्वीरों में जितने बाजे वाले हैं वे सब भी अपना अपना काम करते हुए मालूम पड़ेंगे। परंतु इस तमाशे का आनंद रात को मालूम पड़ेगा, दिन को नहीं। इन्हीं तस्वीरों के कारण इस कमरे का नाम व्यूह मंडल रखा गया है। वह देखिए, ऊपर की तरफ बड़े हरफों में लिखा हुआ है। सुरेंद्र, यह बहुत अच्छी कारीगरी है, इस तमाशे को हम जरूर देखेंगे, बल्कि और भी कई आदमियों को दिखाएंगे। इंद्रजीत, बहुत अच्छा, रात हो जाने पर मैं इसका बंदोबस्त करूंगा, तब तक आप और चीजों को देखें। ये लोग जिस दरवाजे से इस कमरे में आए थे उसके अतिरिक्त एक दरवाजा और भी था, जिस राह से सबों को लिए दोनों कुमार दूसरे कमरे में पहुंचे। इस कमरे की दीवार बिल्कुल साफ थी, अर्थात उस पर किसी तरह की तस्वीर बनी हुई न थी। कमरे के बीचों बीच 2 चबूतरे संगमरमर के बने हुए थे, जिसमें एक खाली था और दूसरे चबूतरे के ऊपर सफेद पत्थर की एक खूबसूरत पुतली बैठी हुई थी। इस जगह पर ठहरकर कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपने दादा और पिता की तरफ देखा और कहा, नकाब पोशों की जुबानी हम लोगों का तिलिस्मी हाल जो कुछ आपने सुना है वह तो याद ही होगा। अस्तु, हम लोग पहली दफे तिलिस्म से बाहर निकलकर जिस सुहावनी घाटी में पहुंचे थे यह वही स्थान है। इसी चबूतरे के अंदर से हम लोग बाहर हुए थे। उस रिक्त गंथ की बदौलत हम दोनों भाई यहाँ तक तो पहुंच गए, मगर उसके बाद इस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोल न सके। हाँ, इतना जरूर है कि उस रिक्त गंथ की बदौलत इस चबूतरे में से जिस पर एक पुतली बैठी हुई थी उसकी तरफ इशारा करके एक दूसरी किताब हाथ लगी, जिसकी बदौलत हम लोगों ने उस चबूतरे वाले तिलिस्म को खोला और उसी राह से आपकी सेवा में जा पहुंचे। आप सुन चुके हैं कि जब हम दोनों भाई राजा गोपाल सिंह को माया रानी की कैद से छुड़ाकर जमानिया के खास बाग वाले देव मंदिर में गए थे, तब वहां पहले आनंद सिंह तिलिस्म के फंदे में फंस गए थे। उन्हें छुड़ाने के लिए जब मैं भी उसी गड्ढे या कुएं में कूद पड़ा तो चलता चलता एक दूसरे बाग में पहुंचा जिसके बीचों बीच में एक मंदिर था। उस मंदिर वाले तिलिस्म को जब मैंने तोड़ा तो वहां एक पुतली के अंदर कोई चमकती हुई चीज मुझे मिली। वीरेंद्र, हाँ, हमें याद है, उस मूरत को तुमने उखाड़ कर किसी कोठरी के अंदर फेंक दिया था और वह फूट कर चूने की कली की तरह हो गई थी, उसी के पेट में से। इंद्रजीत, जी हाँ। सुरेंद्र, तो वह चमकती हुई चीज क्या थी और वह कहाँ है?
इंद्रजीत, वह हीरे की बनी हुई एक चाबी थी जो अभी तक मेरे पास मौजूद है। जेब में से निकालकर और महाराज को दिखाकर, देखिए यह ताली इस पुतली के पेट में लगती है। सबों ने उस चाबी को गौर से देखा और इंद्रजीत सिंह ने सबों के देखते देखते उस चबूतरे पर बैठी हुई पुतली के नाभि में वह ताली लगाई। उसका पेट छोटी आलमारी के पल्ले की तरह खुल गया। इंद्रजीत, बस इसी में से वह किताब मेरे हाथ लगी जिसकी बदौलत वह चबूतरे वाला तिलिस्म खोला। सुरेंद्र, अब वह किताब कहाँ है? इंद्रजीत, आनंद सिंह के पास मौजूद है। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने आनंद सिंह की तरफ देखा और उन्होंने एक छोटी सी किताब जिसके अक्षर बहुत बारीक थे महाराज के हाथ दे दी। यह किताब भोजपत्र की थी जिसे महाराज ने बड़े गौर से देखा और दो तीन जगहों से कुछ पढ़कर आनंद सिंह के हाथ में देते हुए कहा, इसे निश्चिंती में एक दफे पढ़ेंगे। इंद्रजीत, यह पुतली वाला चबूतरा उस तिलिस्म में घुसने का दरवाजा है। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह ने उस पुतली के पेट में जो खुल गया था हाथ डाल के कोई पेंच घुमाया जिससे चबूतरे के दाहिने तरफ वाली दीवार किवाड़ के पल्ले की तरह धीरे धीरे खुलकर जमीन के साथ सट गई और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां दिखाई देने लगी। इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर हाथ में लिया और उसका कब्जा दबाकर रोशनी करते हुए चबूतरे के अंदर घुसे तथा सबों को अपने पीछे आने के लिए कहा। सबों के पीछे आनंद सिंह तिलिस्मी खंजर की रोशनी करते हुए चबूतरे के अंदर घुसे। लगभग 15-20 चक्करदार सीढ़ियों के नीचे उतरने के बाद ये लोग एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जिसमें सोने चांदी के सैकड़ों बड़े बड़े हंडे, अशर्फियों और जवाहरात से भरे पड़े हुए थे जिसे सबों ने बड़े गौर और ताज्जुब के साथ देखा और महाराज ने कहा, इस खजाने का अंदाज करना भी मुश्किल है। इंद्रजीत, जो कुछ खजाना इस तिलिस्म के अंदर मैंने देखा और पाया है उसका यह पासंग भी नहीं है, उसे बहुत जल्द अयार लोग आपके पास पहुंचावेंगे। उन्हीं के साथ साथ कई चीजें दिल लगी की भी हैं, जिसमें एक चीज वह भी है जिसकी बदौलत हम लोग एक दफे हंसते हंसते दीवार के अंदर कूद पड़े थे और माया रानी के हाथ में गिरफ्तार हो गए थे। जी, ताज्जुब से, हाँ अगर वह चीज शीघ्र बाहर निकाल ली जाए तो? सुरेंद्र सिंह से, कुमारों की शादी में सर्व साधारण को उसका तमाशा दिखाया जा सकता है? सुरेंद्र, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होगा। इंद्रजीत, इस तिलिस्म में घुसने के पहले ही मैंने सबों का साथ छोड़ दिया, अर्थात नकाबपोशों यानी कैदियों को बाहर ही छोड़कर केवल हम दोनों भाई उसके अंदर घुसे और काम करते हुए धीरे धीरे आपकी सेवा में जा पहुंचे। सुरेंद्र, तो शायद उसी तरह हम लोग भी सब तमाशा देखते हुए उसी चबूतरे की राह बाहर निकलेंगे। जीत, मगर क्या उन चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा न देखिएगा? सुरेंद्र, हाँ ठीक है, उस तमाशे को तो जरूर देखेंगे। इंद्रजीत, तो अब यहाँ से लौट चलना चाहिए क्योंकि इस कमरे के आगे बढ़कर फिर आज ही लौटाना कठिन है। इसके अतिरिक्त अब दिन भी थोड़ा रह गया है, संध्या वंदन और भोजन इत्यादि के लिए भी समय चाहिए और फिर उन तस्वीरों का तमाशा भी कम से कम 4-5 घंटे में पूरा होगा। सुरेंद्र, क्या हर्ज है, लौट चलो। महाराज की आज्ञा अनुसार सब कोई वहां से लौटे और घूमते हुए बंगले के बाहर निकल आए। देखा तो वास्तव में दिन बहुत कम रह गया था। छठवां बयान। रात आधे घंटे से कुछ ज्यादा जा चुकी थी जब सब कोई अपने जरूरी कामों से निश्चिंत हो बंगले के अंदर घुसे और घूमते फिरते उसी चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में पहुंचे। इस समय बंगले के अंदर हर एक कमरे में रोशनी बखूबी हो रही थी जिसके विषय में भूतनाथ और देवी सिंह ने ताज्जुब के साथ ख्याल किया कि यह काम बेशक उन्हीं लोगों का होगा जिन्हें यहाँ पहुंचने के साथ ही हम लोगों ने पहरा देते देखा था, या जो हम लोगों को देखते ही बंगले के अंदर घुसकर गायब हो गए थे। ताज्जुब है कि महाराज को तथा और लोगों को भी उनके विषय में कुछ ख्याल नहीं है और न कोई पूछता ही है कि वे कौन थे और कहाँ गए, मगर हमारा दिल उनका हाल जाने बिना बेचैन हो रहा है। चलती फिरती तस्वीरों वाले कमरे में फर्श बिछा हुआ था और गद्दी लगी हुई थी जिस पर सब कोई कायदे से अपने अपने ठिकाने पर बैठ गए और इसके बाद इंद्रजीत सिंह की आज्ञानुसार रोशनी गुल कर दी गई। कमरे में बिल्कुल अंधकार छा गया, यह नहीं मालूम होता था कि कौन क्या कर रहा है। खास करके इंद्रजीत सिंह की तरफ लोगों का ध्यान था जो इस तमाशे को दिखाने वाले थे, मगर कोई कह नहीं सकता था कि वह क्या कर रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद चारों तरफ की दीवारें चमकने लगी और उन पर की कुल तस्वीरें बहुत साफ और बनिस्पत पहले के अच्छी तरह पर दिखाई देने लगी। पहले तो वह तस्वीरें केवल चित्रकारी ही मालूम पड़ती थी,
परंतु अब सचमुच की बातें दिखाई देने लगी। मालूम होता था कि जैसे हम बहुत दूर से सच्चे किले, पहाड़, जंगल, मैदान, आदमी, जानवर और फौज इत्यादि को देख रहे हैं। सब कोई ताज्जुब के साथ इस कैफियत को देख रहे थे कि यकायक बाजे की आवाज कान में आई। उस समय सबों का ध्यान जमानिया के किले की तस्वीर पर जा पड़ा, जिधर से बाजे की आवाज आ रही थी। देखा कि एक बहुत बड़े मैदान में बेहिसाब फौज खड़ी है, जिसके आमने सामने दो हिस्से हैं, मानो दो फौजें लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। पैदल और सवार दोनों तरह की फौजें हैं, तथा तोप इत्यादि और भी जो कुछ सामान फौज में होना चाहिए सब मौजूद है। इन दोनों फौजों में एक की पोशाक सुर्ख और दूसरे की आसमानी थी। बाजे की आवाज केवल सुर्ख वर्दी वाली फौज में से आ रही थी, बल्कि बाजे वाले अपना काम करते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। यकायक सुर्ख वर्दी वाली फौज हिलती हुई दिखाई पड़ी। गौर करने पर मालूम हुआ कि सिपाहियों का मुंह घूम गया है और वे दाहिनी तरफ वाली एक पहाड़ी की तरफ तेजी के साथ बाजे की गत पर पैर रखते हुए जा रहे हैं। जैसे जैसे फौज दूर होती जाती, वैसे वैसे ही बाजे की आवाज भी दूर होती जाती है। देखते ही देखते वह फौज मानो कोसों दूर निकल गई और एक पहाड़ी के पीछे की तरफ जाकर आंखों की ओट हो गई। अब यह मैदान ज्यादा खुलासा दिखाई देने लगा। जितनी जगह दोनों फौजों से भरी थी वह एक फौज के हिस्से में रह गई। अब दूसरी अर्थात आसमानी वर्दी वाली फौज में से बाजे की आवाज आने लगी और सवार तथा पैदल भी चलते हुए दिखाई देने लगे। एक सवार हाथ में झंडा लिए तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाकर मैदान में आ खड़ा हुआ और झंडे के इशारे से फौज को कवायद कराने लगा। यह कवायद घंटे भर तक होती रही और इस बीच में आले दर्जे की होशियारी, चालाकी, मुस्तैदी, सफाई और बहादुरी दिखाई दी, जिससे सब कोई बहुत ही खुश हुए और महाराज बोले, बेशक फौज को ऐसा ही तैयार करना चाहिए। कवायद खत्म करने के बाद बाजा बंद हुआ और वह फौज एक तरफ को रवाना हुई, मगर थोड़ी ही दूर गई होगी कि उस लाल वर्दी वाली फौज ने यकायक पहाड़ी के पीछे से निकलकर इस फौज पर धावा मारा। इस कैफियत को देखते ही आसमानी वर्दी वाली फौज के अफसर होशियार हो गए। झंडे का इशारा पाते ही बाजा पुनः बजने लगा और फौजी सिपाही लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस बीच में वह फौज भी आ पहुंची और दोनों में घमासान लड़ाई होने लगी। इस कैफियत को देखकर महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, गोपाल सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह वगैरह तथा अयार लोग हैरान हो गए और हद से ज्यादा ताज्जुब करने लगे। लड़ाई के फन की ऐसी कोई बात नहीं बच गई थी जो इसमें न दिखाई पड़ी हो। कई तरह की घुसबंदी और किलेबंदी के साथ ही साथ घुड़सवारों की कारीगरी ने सबों को सकते में डाल दिया और सबों के मुंह से बार बार वाह वाह की आवाज निकलती रही। यह तमाशा कई घंटे में खत्म हुआ और इसके बाद एकदम से अंधकार हो गया। उस समय इंद्रजीत सिंह ने तिलिस्मी खंजर की रोशनी की और देवी सिंह ने इशारा पाकर कमरे में रोशनी कर दी जो पहले बुझा दी गई थी। इस समय रात थोड़ी सी बच गई थी जो सबों ने सोकर बिता दी, मगर स्वप्न में भी इसी तरह के खेल तमाशे देखते रहे। जब सबों की आंखें खुली तो दिन घंटे भर से ज्यादा चढ़ चुका था। घबराकर सब कोई उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर निकलकर जरूरी कामों से छुट्टी पाने का बंदोबस्त करने लगे। इस समय जिन चीजों की सबों को जरूरत पड़ी वे सब चीजें वहां मौजूद पाई गईं, मगर उन दोनों स्त्रियों पर किसी की निगाह न पड़ी जिन्हें यहाँ आने के साथ ही सबों ने देखा था। सातवां बयान। जरूरी कामों से छुट्टी पाकर अय्यारों ने रसोई बनाई, क्योंकि इस बंगले में खाने पीने की सभी चीजें मौजूद थी और सबों ने खुशी खुशी भोजन किया। इसके बाद सब कोई उसी कमरे में आकर बैठे जिसमें रात को चलती फिरती तस्वीरों का तमाशा देखा था। इस समय भी सभी की निगाहें ताज्जुब के साथ उन्हीं तस्वीरों पर पड़ रही थीं। सुरेंद्र, मैं बहुत गौर कर चुका मगर अभी तक समझ में न आया कि इन तस्वीरों में किस तरह की कारीगरी खर्च की गई है जो ऐसा तमाशा दिखाती है। अगर मैं अपनी आंखों से इस तमाशे को देखे हुए न होता और कोई गैर आदमी मेरे सामने ऐसे तमाशे का जिक्र करता तो मैं उसे पागल समझता, मगर स्वयं देख लेने पर भी विश्वास नहीं होता कि दीवार पर लिखी तस्वीरें इस तरह काम करेंगी। जीत, बेशक ऐसी ही बात है। इतना देखकर भी किसी के सामने यह कहने का हौसला न होगा कि मैंने ऐसा तमाशा देखा था, और सुनने वाला भी कभी विश्वास न करेगा। ज्योति, आखिर तिलिस्मी है, इसमें सभी बातें आश्चर्य की दिखाई देती हैं। जीत, चाहे तिलिस्म हो मगर इसके बनाने वाले तो आदमी ही थे।
जो बात मनुष्य के किए नहीं हो सकती वह तिलिस्म में भी नहीं दिखाई दे सकती। गोपाल, आपका कहना बहुत ठीक है। तिलिस्म की बातें चाहे कैसा ही ताज्जुब पैदा करने वाली क्यों ना हो, मगर गौर करने से उनकी कारीगरी का पता लग ही जाएगा। यह आपने बहुत ठीक कहा कि आखिर तिलिस्म के बनाने वाले भी तो मनुष्य ही थे। वीरेंद्र, जब तक समझ में न आवे तब तक उसे कोई जादू कहे या करामात कहे, मगर हम लोग सिवाय कारीगरी के कुछ भी नहीं कह सकते। और पता लगाने तथा भेद मालूम हो जाने पर यह बात सिद्ध हो ही जाती है। इन चित्रों की कारीगरी भी अगर गौर किया जाएगा तो कुछ ना कुछ पता लग ही जाएगा। ताज्जुब नहीं कि इंद्रजीत सिंह को इसका भेद मालूम हो। सुरेंद्र, बेशक इंद्रजीत को इसका भेद मालूम होगा। इंद्रजीत सिंह की तरफ देखकर तुमने किस तरकीब से इन तस्वीरों को चलाया था? इंद्रजीत मुस्कुराते हुए, मैं आपसे अर्ज करूंगा और यह भी बताऊंगा कि इसमें भेद क्या है। मालूम हो जाने पर आप इसे एक साधारण बात समझेंगे। पहली दफे जब मैंने इस तमाशे को देखा था तो मुझे भी बड़ा ही ताज्जुब हुआ था, मगर तिलिस्मी किताब की मदद से जब मैं इस दीवार के अंदर पहुंचा तो सब भेद खुल गया। सुरेंद्र खुश होकर, तब तो हम लोग बेफायदे परेशान हो रहे हैं और इतना सोच विचार कर रहे हैं, तुम अब तक चुप क्यों थे? गोपाल, अयारों की तबीयत देख रहे थे। सुरेंद्र, खैर बताओ तो सही कि इसमें क्या कारीगरी है। इतना सुनते ही इंद्रजीत उठकर उस दीवार के पास चले गए और सुरेंद्र सिंह की तरफ देखकर बोले, आप जरा तकलीफ कीजिए तो मैं इस भेद को समझा दूं। महाराज सुरेंद्र सिंह उठकर कुमार के पास चले गए और उनके पीछे पीछे और लोग भी वहां जाकर खड़े हो गए। इंद्रजीत सिंह ने दीवार पर हाथ फेरकर सुरेंद्र सिंह से कहा, देखिए असल में इस दीवार पर किसी तरह की चित्रकारी या तस्वीर नहीं है। दीवार साफ है और वास्तव में शीशे की है। तस्वीरें जो दिखाई देती हैं वे इसके अंदर और दीवार से अलग हैं। कुमार की बात सुनकर सबों ने ताज्जुब के साथ दीवार पर हाथ फेरा और जीत सिंह ने खुश होकर कहा, ठीक है अब हम इस कारीगरी को समझ गए। ये तस्वीरें अलग अलग किसी धातु के टुकड़ों पर बनी हुई हैं और ताज्जुब नहीं तार या कमानी पर जड़ी हों। किसी तरह की शक्ति पाकर उस तार या कमानी की हरकत होती है और उस समय ये तस्वीरें चलती हुई दिखाई देती हैं। इंद्रजीत, बेशक यही बात है। देखिए अब मैंने फिर चलाकर आपको दिखाता हूं और इसके बाद दीवार के अंदर ले चलकर सब भ्रम दूर कर दूंगा। इस दीवार में जिस जगह जमानिया के किले की तस्वीर बनी थी उसी जगह किले के बुर्ज के ठिकाने पर कई सुराख भी दिखाए गए थे, जिनमें से एक छेद यानी सुराख वास्तव में सच्चा था, पर वह केवल इतना ही लंबा चौड़ा था कि एक मामूली खंजर का कुछ हिस्सा उसके अंदर जा सकता था। इंद्रजीत सिंह ने कमर से तिलिस्मी खंजर निकालकर उसके अंदर डाल दिया और महाराज सुरेंद्र सिंह तथा जीत सिंह की तरफ देखकर कहा, इस दीवार के अंदर जो पुर्जे बने हैं वे बिजली का असर पहुंचने से ही चलने फिरने या हिलने लगते हैं। इस तिलिस्मी खंजर में आप जानते ही हैं कि पूरे दर्जे की बिजली भरी हुई है। अस्तु उन पुर्जों के साथ इनका संयोग होने से ही काम हो जाता है। इतना कहकर इंद्रजीत सिंह चुपचाप खड़े हो गए और सबों ने बड़े गौर से उन तस्वीरों को देखना शुरू किया, बल्कि महाराज सुरेंद्र सिंह, वीरेंद्र सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह और राजा गोपाल सिंह ने तो कई तस्वीरों के ऊपर हाथ भी रख दिया। इतने में ही दीवार चमकने लगी और उसके बाद तस्वीरों ने वही रंगत पैदा की जो हम ऊपर के बयान में लिखाए हैं। महाराज और राजा गोपाल सिंह वगैरह ने जो अपना हाथ तस्वीरों पर रख दिया था वह ज्यों का त्यों बना रहा और तस्वीरें उनके हाथों के नीचे से निकलकर इधर से उधर आने जाने लगी, जिसका असर उनके हाथों पर कुछ भी नहीं होता था। इस सबब से सबों को निश्चय हो गया कि उन तस्वीरों का इस दीवार से कोई संबंध नहीं। इस बीच में कुंवर इंद्रजीत सिंह ने अपना तिलिस्मी खंजर दीवार के अंदर से खींच लिया। उसी समय दीवार का चमकना बंद हो गया और तस्वीरें जहां की तहां खड़ी हो गई, अर्थात जो जितनी चल चुकी थी उतनी ही चलकर रुक गई। दीवार पर गौर करने से मालूम होता था कि तस्वीरें पहले ढंग की नहीं बल्कि दूसरे ही ढंग की बनी हुई हैं।